स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं राम व्यास यादव। आज हमारे एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं एक्सपर्ट, जो कि आपका ITI अप्रेंटिस और CTI के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। दोनों का एक्सपर्ट हैं, आज ITI में कार्यरत भी हैं जो कि टीचिंग लाइन में हैं इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो सारा आप लोग के मन में जो भी कन्फ्यूज है आपका अप्रेंटिस के बारे में या फिर CTI के बारे में, इसलिए कि बहुत ITI का एग्ज़ाम हो चुका है, अब रिजल्ट आने वाला है, 15 तारीख तक शायद रिजल्ट आ भी जाएगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी का मन में रहेगा कि अब क्या करें। तो जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी के लाइन में चले जाते हैं, जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं रेलवे की तरफ चले जाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी का होता है कि भाई जिस तरह मास्टर जो बनता है BEd करने के बाद, तो ITI में जो इंस्ट्रक्टर बनता है कैसे बनता है, वो सारी बातें आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी चैनल पे अगर जितने भी नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको उसका लाभ मिल सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। सर, आपको भी धन्यवाद, आज जो समय मिला है कि CTI और अप्रेंटिसशिप के बारे में बताने के लिए, तो आज हम CTI के बारे में कुछ बताएंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि CTI क्या है। CTI जो है CITS उसका पूरा नाम है, पहले उसे CTI के नाम से जाना जाता था, अब CITS कर दिया गया। CITS का फुल फॉर्म है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो हम लोग ITI में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उसके लिए एक डिग्री है, जो ITI के बाद और डिप्लोमा और BTEC के बाद किया जाता है। अच्छा, तो समझ चुके आप इस बारे में कि जिस तरह, यानी कहने का मतलब है सर का कि जिस तरह हम लोग जो प्राइमरी स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया जो होता है, उसमें हम लोग टीचर बनते हैं BEd करने के बाद, उसी तरह ITI में अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि हम इंस्ट्रक्टर बने, ITI के टीचर बने, तो उसके लिए आपको CITS करना पड़ेगा, अति आवश्यक है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। पहले था कि भी ऐसे भी फॉर्म भरते थे, अप्लाई करते थे, लेकिन अब जो है कंफर्म कर दिया है कि ये रहेगा, तभी आप ITI के इंस्ट्रक्टर बनेंगे। तो सर, उसमें जाने के बाद CTS में कैसे लड़का प्रवेश कर सकता है? अभी कहे कि रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारा लड़का का मन में होगा कि हम CITS करें, ITI इंस्ट्रक्टर बनेंगे, तो कैसे आप उसमें पढ़ाई कर सकता है ये? अच्छा, बता रहे हैं सर, ये CTI जो है दो माध्यम से कर सकते हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जाने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो प्रत्येक साल आपका मई के आसपास फॉर्म आता है, पहले इंट्रेंस होता है। इंट्रेंस में हमारा क्या है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें 75% टेक्निकल और 25 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहता है। इंट्रेंस पास होने के बाद आपको कॉलेज चॉइस मिलेगा, आप कॉलेज चॉइस कीजिएगा, नंबर के आधार पे आपको अलग अलग कॉलेज मिलेगा, जैसे हमारा मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, अदर बहुत सारे CITS हैं जिसमें आपको एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि CITS के लिए फॉर्म निकलता है, फॉर्म निकल आप अप्लाई करेंगे, कॉल लेटर आएगा, आप एग्ज़ाम दीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज़ जो लड़का ITI बढ़िया तरीके से किया होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, वो क्वालिफाई करेगा, इसलिए 75% जो है क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछेगा, तो पास तो करना 100% है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, CITS के वहाँ जाने के बाद क्या किसी चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर पढ़ाई वहाँ पर होता है कॉलेज में? देखिए, वहाँ जाने के बाद आपका ITI बेस का ही ट्रेनिंग दिया जाता है, अलग से एक POT सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग इस माध्यम से बच्चों को समझाएंगे, कैसे स्किल करवाएंगे, उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट होता है। बाद बाकी जो है हमारा ITI में जो सिलेबस है सेम सिलेबस होती है। तो ITI का ही सेम सिलेबस है, इसलिए कि ITI का इंस्ट्रक्टर बनिएगा तो ITI के बाद बच्चों को पढ़ाइएगा, इसलिए ITI का सेम ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। और तो CITS के बारे में आप पूरा जान चुके होंगे कि क्या क्या होता है, उसके बाद आप पास कीजिएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कहीं भी, फिर जब भी कोई भी निकलता है, कहीं भी इंस्ट्रक्टर का बहाली निकलता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद एलिजिबल हो जाइएगा आप करने के लिए। अब सर, अप्रेंटिस बहुत सारे विद्यार्थी के मन में है कि अप्रेंटिस करना है, तो अप्रेंटिस किस लाइन से करें? बहुत सारे जगह से आते हैं, रेलवे से आते हैं, BCCL से आते हैं, बहुत जगह से अप्रेंटिस होता है, तो बच्चों को कहाँ सबसे बेटर होगा अप्रेंटिस करने से?
देखिए अप्रेंटिसशिप जो है, एक अप्रेंटिसशिप का मतलब ही है कि ट्रेनिंग करना, काम कुशल कारीगर कैसे बने। वो एक साल में हम लोग को कुशल कारीगर बनाने का प्रयास किया जाता है, वो एक ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन उसमें हम कहाँ से करें ये डिपेंड करता है। देखिए कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ से करने से हम लोग को ज़्यादा नॉलेज मिलती है, कुछ कंपनी ऐसी है जहाँ पे करने से ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं मिलती है, बट कुछ कंपनी है कि बहुत अच्छा है, जैसे कि बेल है, गेल है और सारे इंडियन ऑयल है, रेलवे है, ये सब से करने में कुछ बेनिफिट है। किसी किसी में क्या है, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो जहाँ से लोग अप्रेंटिसशिप किया उन लोग को आरक्षण भी दिया जाता है, जैसे रेलवे देती है, इंडियन ऑयल देती है, इस तरह कुछ कुछ सेक्टर है जहाँ पे दिया जाता है। तो उस सेक्टर को हम लोग को प्रिफेयर करना चाहिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो आप एक अप्रेंटिस जब करना चाहेंगे, अगर मन में इच्छा है, तो पहले ही सोच समझ करके करें कि कहाँ से हम करें कि जहाँ से हमारा ज़्यादा बेनिफिट मिले। ज़्यादातर तो लड़के लोग रेलवे से ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं और रेलवे से भी अप्रेंटिस बहुत आ रहा है, इसलिए आप रेलवे से अप्रेंटिस अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी पास आउट विद्यार्थी हैं, पास करने वाले हैं, रिजल्ट जो आने वाला है उसे बेटर रहेगा ना सर? बिल्कुल बेटर, रेलवे से ज़्यादा बेटर, चूँकि 20% ग्रुप डी में आरक्षण दिया जाता है, बाद बाकी इंडियन ऑयल में भी कुछ आरक्षण है, जैसे कि बोकारो यहाँ पे सेल है, सेल में क्या, सेल से भी कीजिएगा तो उसमें भी 10% सीट रिजर्व रहता है, जो किया है वही वहाँ पे फॉर्म भर सकता है। तो कुछ PSU कंपनी भी बहुत अच्छी, और एक चीज़ है कि अप्रेंटिसशिप करने से कुछ कुछ एक्सपीरियंस के अंतर्गत, मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले नोटिस आया हुआ है कि इसको एक्सपीरियंस के अंतर्गत भी इंक्लूड किया जाएगा। तो नया नोटिस है, एक साल पहले ही नोटिस आया है, इसमें कहा गया है कि अब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ साथ एक साल एक्सपीरियंस भी इंक्लूड किया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि जो एक साल का अप्रेंटिस करता है उसके साथ इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा जो होता है जॉब, उसमें अप्रेंटिस तो आप किए हैं लेकिन एक्सपीरियंस भी मांगता है, तो उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो आपके लिए बेटर होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि अप्रेंटिस में क्या काम है और CIT में क्या काम है। तो अप्रेंटिस में वहाँ पर क्या, मतलब लड़कों से वर्क कराया जाता है या फिर पढ़ाई रिलेटेड कुछ किया जाता है? देखिए अप्रेंटिसशिप में वर्क ही कराया जाता है, बट कभी काल महीने में 2 दिन क्लास करवाया जाता है, बाद बाकी तो अप्रेंटिसशिप में वर्क ही करवाया जाता है। और अप्रेंटिसशिप जो विद्यार्थी करते हैं, एक साल का कोर्स होता है जिसमें क्या, उसमें आपका पेमेंट पैसा भी उसको दिया जाता है क्या? स्टाइफंड रूप के स्टाइफंड 7,000, 8,000, कहीं 10,000, कहीं 11,000, अलग अलग कंपनी के अलग अलग स्टाइफंड के रूप में दिया जाता है। तो समझ सकते हैं कि अगर अप्रेंटिस आप करते हैं तो आपको पैसा भी मिलेगा, रहने खर्चा के लिए कम से कम पैकेट खर्चा आपका निकल जाएगा। CITS में भी क्या ऐसा है कि पैसा कहीं मिलता है? नहीं, CITS में पैसा नहीं मिलता है, वहाँ पे क्या है, आपको पैसा खर्च करना है, हॉस्टल खर्च, खाने के लिए खर्च, प्लस फीस भी कुछ गवर्नमेंट में एक साल की 2-3 हज़ार रुपया के आसपास एक ही बार ले लिया जाता है, और फॉर्म चार्ज है, बस यही सब है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में जैसे कि आपका 80,000, 1,00,000 रुपया डोनेशन है कि 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए। तो समझ सकते हैं कि अगर प्राइवेट से आप CITS करते हैं तो 1,80,000 के लपेट में आपको खर्च होगा। तो भाई क्यों हम ऐसा करें, आप जो विद्यार्थी का एग्ज़ाम हो चुका है बढ़िया से टेक्निकल का तैयारी कीजिए और आप लोग CITS कीजिए सरकारी से, जिसमें आपका खर्च नहीं होगा, 2-4-5 हज़ार में क्लियर होगा, बाकी रहना खाना तो आपका लगेगा ही लगेगा। फिलहाल अप्रेंटिसशिप करने का एक बेनिफिट अधिक है कि पहले क्या था, ITI बेस पे बहुत सारी नौकरियां का लिए फॉर्म हम लोग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, सभी सेक्टर ने ITI डिग्री के साथ साथ एक साल की एक्सपीरियंस नहीं तो अप्रेंटिसशिप कंपलसरी कर दिया गया, लगभग सेक्टर में ये डिमांड है। और एक साल का जो ITI वेल्डर होता है, डीजल मैकेनिक होता है, उस सब में तो कंपलसरी है कि एक साल एक्सपीरियंस मांग दिया जाता है, इसलिए उन सब ट्रेड से जो भी किए हैं वो जाके एक साल अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, जिससे कि आप गवर्नमेंट वैकेंसी भर सकें और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। तो समझ सकते हैं। और सर CITS करने से और कोई फ़ायदा होता है कि सिर्फ टीचर के लाइन में ही फ़ायदा होता है, कहीं और फ़ायदा होता है, जैसे और कोई अगर जॉब निकलता है, रेलवे ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, तो CITS की हो, क्या उनको भी कुछ इनसे बेनिफिट मिलता है? हाँ बता रहे, CITS करने से ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्टर में तो एक प्रीफेयर हम लोग को मिलता है कि वैकेंसी भर सकते हैं, और 3 साल एक्सपीरियंस भी चाहिए तभी भर सकते हैं। CITS को कोर्स करने के बाद 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तभी हम लोग गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये तो बेनिफिट है ही, लेकिन साथ साथ है कि आपको नॉलेज ITI की अपेक्षा वहाँ पे अधिक मिलेगा और ट्रेनिंग बहुत बेस्ट दिया जाता है,
जैसे साउथ साइड में प्लस कोलकाता है, कुछ ऐसे NSTI हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कराया जाता है। आप लगभग प्रैक्टिकल कर लीजिए जिससे कि आपका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मजबूत हो जाएगा और वो नॉलेज आपको हर जगह कहीं फील्ड में काम कीजिए या अपना कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाइए उसमें आपको बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्टर में ही है, इससे क्या आप जैसे वायरिंग करते हैं तरह तरह का वायरिंग है तो वहाँ पर आपको सीखने की मौका अधिक मिलता है। ठीक है, इसलिए ये मकसद से CITS मत कीजिए कि हमको इंस्ट्रक्टर बनना है, ये तो है लेकिन हमको अदर चीज़ बहुत सारे जॉब में जाने का जो है रास्ता खुल जाती है। तो समझ सकते हैं कि अगर टीचर बनना है तो CIT से तो कीजिएगा ही, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस और मांगता है। अगर फॉर्म निकलता है तो 3 साल का एक्सपीरियंस और आपका मांगेगा, यानी 3 साल और 1 साल इधर CTIS जो आपका 4 साल हो गया और 2 साल ITI, 6 साल का कोर्स आपको डिग्री टीचर का लेने के लिए आपको करना पड़ेगा। आप लोग को समझ में आया होगा कि अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा है, CITS करने से क्या फ़ायदा है। बाकी जिनको जो इच्छा लगे, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस जहां से भी, जिस जिला से भी हो, जिस राज्य से भी हो, आप अपने क्षेत्र में जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं पता कर करके आप या तो CITS कर सकते हैं या फिर अप्रेंटिस कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। बाकी सरकारी जॉब जो करना चाहते हैं अपना तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक जितने भी हमारे विद्यार्थीगण वीडियो को देख रहे हैं, बाकी थैंक यू आप लोगों को। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर धन्यवाद।